Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to the Sun Academy YouTube channel for GATE and ESE aspirants. आज हम जिस notification के बारे में बात करने वाले वो notification आया हुआ है NMDC Limited की तरफ से और ये notification आज के ही date का है, that is 21st of October 2024. इसमें जो job offers किया गया है वो एक permanent job है और ये diploma और degree holders दोनों के लिए है. तो आप इस notification को ध्यान से end तक देखिएगा ताकि आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेशन कर पाए. ठीक है, तो पूरी डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं. सबसे पहले तो एनएमडीसी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे पोस्ट यहाँ पे आए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं. ये पोस्ट जो जिस नेम से आया है वो है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के नाम से और यहाँ पे ये एक परमानेंट पोस्ट है. यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग किया जाएगी, दिस इज द पोस्ट नेम एट स्टार्ट. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कमर्शियल, एनवायरमेंट, जियो एंड क्यूसी, माइनिंग, सर्वे, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आई एंड मैकेनिकल के डिफरेंट पोस्ट आए हुए हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन पे आए हुए हैं. अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, उनके लिए बात करें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है इंजीनियरिंग के साथ साथ या फिर डिग्री के साथ साथ. तो यहाँ पे माइनिंग के आप देख सकते हैं 56 पोस्ट है. अगर आपका कोई फ्रेंड माइनिंग पे है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. उसके अलावा मैं यहाँ पे सर्वे की बात करूंगा जो कि सिविल स्टूडेंट्स के लिए होता है, 9 पोस्ट है. यहाँ पे एनवायरमेंट का भी पोस्ट है जो कि सिविल स्टूडेंट्स के लिए है, आगे हम लोग देखेंगे. केमिकल के लिए 4 पोस्ट है, सिविल के लिए 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 44 पोस्ट दिया गया है और आईई के लिए 3 पोस्ट और मैकेनिकल के लिए 20 पोस्ट दिया गया है. तो काफी भारी संख्या में यहाँ पे पोस्ट आपको मिलने वाला है. तो आगे हम बात करें कि क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है और ये पोस्ट जो है वो टेंटेटिव है, इसकी ये इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ काउंट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है. आगे हम बात करें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले जो कमर्शियल लिखा हुआ था उसके लिए आपको डिग्री इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बात की गई है. विथ MBA आपको चाहिए और PG डिग्री चाहिए. डिप्लोमा इन मार्केटिंग हो सकता है, फॉरेन ट्रेड, स्किल इन मैनेजमेंट और ग्रेजुएट विद CNICMA. तो जो भी डिग्री स्टूडेंट्स हैं, अगर उसने डिग्री के बाद MBA किया है तो डेफिनेटली वो कमर्शियल पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 4 दिया गया है. अगर हम लोग आगे बात करें, यहाँ पे एनवायरमेंट का भी पोस्ट है जो कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग या फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है. यहाँ पे और लिखा हुआ है और PG डिग्री इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल साइंस, ये और में है ना. तो मतलब आपके पास डिग्री है सिविल में, केमिकल, माइनिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा काफी सारे और भी डिग्रीज हैं जिसके लिए ये पोस्ट है, जैसे कि डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट और 2 ईयर ड्यूरेशन का जिन्होंने कोर्स किया है और डॉक्टरेट इन एनवायरमेंट स्टडीज का पोस्ट किया है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे ये जो आपका एनवायरमेंट का पोस्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं. जियो एंड क्यूसी, ये इसके लिए MSc या फिर MSc टेक्निकल या फिर MTech इन जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की जरूरत है. यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है जो कि MTech इन जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है. अब हम माइनिंग के लिए बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग के बारे में बोला गया है. इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 4 मंथ्स सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू ओपन, ये सारी चीजें आपको जरूरत है जो कि यहाँ पे लिखा गया है. तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा होल्डर्स है, जिसके लिए एक्सपीरियंस माना गया है मिनिमम 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स. तो ये डिप्लोमा होल्डर्स अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपको एक्सपीरियंस भी है. लेकिन आप खास में यहाँ पे खास बात यहाँ पे और देखेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे बोला गया और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्सपीरियंस, डिग्री, डिप्लोमा दोनों के लिए जरूरत है? तो देखिए, जहां पे एक्सपीरियंस की बात की है गई है वहां पे ब्रैकेट में लिखा गया है इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स, मतलब अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है. अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स है तभी जाके आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी. जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड. ठीक है,
डिग्री होल्डर्स के लिए विदाउट आप एक्सपीरियंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स है तो आपको रिलेवेंट फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस की नीड है। सर्वे की बात करें तो यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइंस के बारे में बोला गया है। माइन सर्वेइंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट आपको जरूरत है फॉर कॉम्पिटेंसी अंडर MMR। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करिए, मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, क्योंकि ये सर्वे का पोस्ट सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लिए है, इसलिए जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरत है। केमिकल की बात करें तो MSc केमिस्ट्री या फिर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविल की बात करें, यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पूछा गया और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोला गया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स ही ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोला गया है, और उसके अलावा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ट्रिपल ई के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी बार ये सोचते हैं कि हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर से एंड में लिखा है इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ही ये एक्सपीरियंस की जरूरत है, अदरवाइज आप अगर डिग्री होल्डर्स है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और डिग्री इन माइनिंग पूछा गया है। मैकेनिकल प्रोडक्शन यहाँ पे कोई डिप्लोमा का चर्चा ही नहीं है, इंजीनियरिंग विद पीजी डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अभी बोला गया है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे मैकेनिकल में तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो ये डिप्लोमा और डिग्री दोनों मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे जब एक्सपीरियंस की बात की है तो देखिए इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स बोला गया है, यानी कि मैकेनिकल में सिर्फ आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 32 इयर्स का एज आपको बोला गया है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 इयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 3 इयर्स OBC के लिए यहाँ पे रिलैक्सेबल रखा गया, बाकी भी PWD और बाकी सर्विसमैन सेक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया। अब हम स्टाइफन की बात करें तो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द जूनियर ऑफिसर ट्रेनी पोस्ट के लिए उनको ट्रेनी के पोस्ट के लिए इनिशियली प्लेस किया गया, उसके बाद आपको यहाँ पे रेगुलराइजेशन किया जाएगा और सैलरी जो है वो सभी के लिए दिया गया है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए जो डिग्री होल्डर से 12 मंथ का ट्रेनिंग आपका होगा 37 यहाँ पे आपको 37,000 ये थोड़ी सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट 12 मंथ रिमेनिंग 6 मंथ, ठीक है। पे स्केल और ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फर्स्ट 12 मंथ का जो जूनियर ऑफिसर का डिग्री होल्डर्स के लिए जो ट्रेनिंग रखा गया गया फर्स्ट 12 मंथ का, और रिमेनिंग 6 मंथ के लिए जो आपको दिया जाएगा वो 38,000 दिया जाएगा। तो फर्स्ट 12 मंथ में आपको 37,000 मिलेगा, रिमेनिंग 6 मंथ के लिए आपको 38,000 मिलेगा, उसके बाद पे स्केल ऑन कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जब आपका ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगा तो ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद आपका जो पे स्केल है क्योंकि एक परमानेंट पोस्ट है 37,000 से लेके आपको मिलेगा 1,30,000 का पे स्केल आपको मिल जाएगा जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप ये सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे 18 मंथ का ट्रेनिंग दिया गया है और 18 मंथ के ट्रेनिंग में आपको 37,000 यहाँ पे दिया जाएगा और जो 6 मंथ का है 12 मंथ के लिए और जो 6 मंथ के लिए वो 38,000 और उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन आपको 37,000 से लेके 1,30,000 के लेके का जो पे स्केल है वो दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, तो ये हो गया आपके लिए। और यहाँ पे ये बाइफर्केशन दिया गया है कि आपका जो नंबर ऑफ काउंट और पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग बाइफर्केशन SC/ST OBC EWS और अनरिजर्व के लिए और PWBD के लिए किस तरीके से किया गया है उसका बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई का, तो यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन करना है और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको NMDC के वेबसाइट में मिल जाएगा और यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है देखिए www.nmdc.co.in
इस लिंक में आपको करियर के ऑप्शन में आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। और अभी एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव है, 21st of October 2024 को 10 AM से एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है, और ये आपका 10th of November 2024 को रात को 12 बजे तक लगभग रहेगा। तो आप तब तक अप्लाई कर लीजिएगा। अगर कोई हेल्पलाइन चाहिए तो आपको एक वेब एक ईमेल आईडी दिया गया है nmdc@jobapply.in, यहाँ पे आपको मैसेज करके कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। और आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है सारा चीज। हम अब फीस देख लेते हैं कि बिफोर अप्लाइंग आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। एन अमाउंट ऑफ 250 रुपीज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, इज टू बी पेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेशन फी विच इज नॉन रिफंडेबल। और ये जो एप्लीकेशन फीस है इसको भी आपको ऑनलाइन ही पे करना है, थ्रू UPI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, ठीक है। और बाकी चीजें दी गई है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मेट्रिकुलेशन, 10th सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें, और आपका जो भी रिलेवेंट कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। और द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय पोस्ट। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है, कोई भी चीज आपको ऑफलाइन सेंड नहीं करना है। और कॉल लेटर्स और एफिडेविट कार्ड सारा जो है सेंड थ्रू पोस्ट ईमेल के थ्रू आपको आ जाएगा, अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई है। अब हम बात करें कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें फॉर द अबव पोस्ट, तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट है, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका होगा। उसके बाद सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा, जो कि एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहाँ पे कोई मार्क्स आपको लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेयर क्वालिफाइंग आपको करना है और ये 100 मार्क्स का है। मतलब इसका ये मतलब है कि सब आपको ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अप्लाई पहले अपियर होना है, और उसमें जो भी आप क्वालिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, विच इज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट CBT बाय फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाद में बुलाया जाएगा, जो कि आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट, देयर विल बी सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100 विल बी 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा अनरिजर्व के लिए या फिर EWS कैंडिडेट के लिए, और 37% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा अगर आप OBC NCL कैंडिडेट है तो, और 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो। यहाँ पे देखिए, रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट, द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3। मतलब जो भी काउंट आपको ऊपर में दिखा है पोस्ट का, उसमें 1:3 के रेशियो में आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। मतलब एक पोस्ट के पीछे 3 लोगों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिया गया है प्रोसीजर फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट क्या है। सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विच इज मैंडेटरी, द सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट CBT सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। अगर आप सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं और CBT में आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आना है। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जनरल कंडीशंस, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने वेबसाइट आपको बता दिया है, इस NMDC के वेबसाइट में करियर के ऑप्शन में आपको सारा चीज मिल जाएगा, आप उसको निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी आपको सर्टिफिकेट जरूरत पड़ता है, उस सर्टिफिकेट का किस फॉर्म में आपको जरूरत है, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। करते हैं कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी NMDC के वेबसाइट में देखने को मिलेगा इसके आगे। तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट CBT आपको वहीं पे देखने को मिलेगा कि कब होगा। ऑनलाइन टेस्ट मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स ये भी आपको वहीं देखने को मिल जाएगा, एंड लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आप इसमें अप्लाई करने वाले और आपको ये लगता है कि आप यहाँ पे CBT के थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो करियर ऑप्शन NMDC के वेबसाइट का आप
रेगुलरली विजिट करते रहिएगा ताकि आपको इसके बारे में और भी अपडेट्स पता चलता रहे। तो इस तरीके के काफी सारी चीज आ रही है और जिसके बारे में वीडियोस में आपको रेगुलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप इस पर्टिकुलर चैनल में देख सकते हैं वीडियो के ऑप्शंस में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अनएकेडमी ने काफी सारे ऑफर्स अभी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। और ये जो ऑफर्स है इसको अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने प्रिपरेशन में एक अच्छा इनपुट दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें कि अनअकैडमी के लर्नर्स जो कि गेट 2024 में बहुत अच्छा किए, तो AIR 1 की बात करें, ऑल इंडिया रैंक 1 ऐसे 7 रैंकर से जिन्होंने लाया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि गेट का सब्सक्रिप्शन अभी 5,999 में मिल रहा है, जो कि फ्लैट 50% ऑफ में है, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 1 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कोड जो आपको यूज करना है जिसके थ्रू आप इस सब्सक्रिप्शन में इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, वो है SDSIR10, SDSIR10। इस पर्टिकुलर कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन में जो 50% का ऑफ का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 6:30 PM आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे गेट और PSU EE EC 2025 स्टार्टिंग फ्रॉम 25 अक्टूबर ये स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा गेट 2025 के लिए। और 3+1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 5,999 में। ठीक है, दीपावली ऑफर है ये। अगर हम बात करें 2026 या फिर 2027 के लिए, तो 14,999 में, और 19,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। समर्थ बैच, निश्चय बैच, आप 2026 या फिर 2027 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कि क्रैश कोर्स जो कि 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। नेटवर्क एनालिसिस का सब्जेक्ट आपका 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट आपका कल से यानी कि 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे समर्थ बैच की बात करें तो यहाँ पे विशाल सोनी सर का EMFT स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से। और अगर हम लोग निश्चय बैच की बात करें तो विशाल सोनी सर का 6 PM से स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग प्लस के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है, क्लास हैंडआउट्स का ऑप्शन, रेज हैंड मतलब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लास के हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इन क्लास पोल्स क्रिएट करते हैं फैकल्टी खुद ताकि आप क्वेश्चन आंसर सेशन को एंजॉय कर सके, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेटर्स की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे एजुकेटर्स अपने फीड्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप घर में बैठे तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है PDF के फॉर्म में, प्लस का फीचर है ये, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा, जब चाहे जितने आवर्स चाहे आप क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। ये सारे प्लस के फीचर्स थे। आइकॉनिक के फीचर्स ऐसे हैं कि जो प्लस के फीचर्स मैंने आपको अभी बताया वो तो सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एडिशनल फीचर्स भी है आइकॉनिक में, जैसे कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगा जहां आप अपने फैकल्टी के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिजिकल बुक मिलेगा, मतलब हार्ड कॉपी में बुक्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पे PDF में आपको मिल रहा था प्लस में। ठीक है, अगर आप गेट के रैंकर्स है, लास्ट ईयर आपने बहुत अच्छे रैंक लाए 2023 और 2024 में, और 2025 का स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो आपके रैंक के अनुसार यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। जैसे 1 to 500 को 90% स्कॉलरशिप मिलेगा गेट 2025 के कोर्स में, 501 से लेके 1000 के रैंक के स्टूडेंट्स को 80% का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर ऑफ मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप ESC प्री और ESC मेन क्वालिफायर है तब भी आपको यहाँ पे ऑफ मिल रहा है 90% और 80% का। अगर आप BE BTech में 80% से अबाव लाए हैं तो भी आपको 70% का ऑफ मिल रहा है। अगर आप स्टूडेंट से IIT या फिर NIT के, तो आपको 60% का ऑफ मिल रहा है। अगर आप नेशनली फंडेड कॉलेज से हैं तो भी आपको 55% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा गेट 2025 के कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि लिस्ट ऑफ बुक्स जो कि गेट इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे बुक्स जो है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट,
सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के बुक्स होम डिलीवर्ड किया जाएगा विद इन 15 डेज जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।